था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, बार क्लैपिंग सर ने। बहुत ज्यादा सुपर टू गाइस। अच्छा सर आप बाहर से लेकिन हाँ जस्ट मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट BHU से हूँ। नहीं मुझे लगा हाँ मैं चाहूंगा कि मुझे लगा आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। नहीं नहीं मेरा क्या है, मेरा बस मेरे बारे में आपका मैन व्यक्त कीजिए। क्या है स्वतंत्रता भवन? हाँ बताइए। आप देख सकते हैं और यहाँ का मैनेजमेंट देख सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस जगह के बारे में, कैसा लग रहा है। और एक बात सर, सर की ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी है और कैसा लग रहा है आपको? चलिए सर कॉम्प्लीमेंट। एक बात मैं अपने बच्चों से कहूंगा, तुम 10 से कहूंगा, तुम 1000 से कहना, स्वतंत्रता भवन की सुचिता को ध्यान देना। देख लो बेटा इसकी, इतने लोग चल रहे हैं लेकिन अभी भी इसकी जमीन चमक रही है, ठीक है? तो इसकी मर्यादा का तुम लोग ध्यान देना। यूज डस्टबिन, अगर डस्टबिन भर जाता है तो इसको इन्फॉर्म कर दो ऑफिस, कोई एक बच्चा क्या दिक्कत है ना। कोई अभी हमारा रिसर्च स्कॉलर था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, वो दोनों बच्चे जो 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 असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नजदीक हैं, वो दोनों बोर्ड एक दो लेबर के साथ ले आए और तुम्हारी आंख के सामने वो रखा उन्होंने। तो एगोलेस हो करके किसी भी काम को अगर स्वयं समझ के करोगे तो बेटा ऐसे ही चमकेगा, ठीक है? इसका ध्यान देना। कल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स वाले बच्चे आए थे तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो तुम्हारी प्रिंसिपल साहब आई, वो हमको गंदगी दिखाने लगी, तो मैंने कहा मैम ये विदिन 1 आवर गायब हो जाएगा। और मैम से पूछना क्या ऐसा ही हुआ था? मैं समझता हूँ अभी तो हो गया है, मैं समझता हूँ ऐसा ही हुआ था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए, बार क्लैपिंग सर ने। थैंक यू सो मच सर। सर आप अभी इंटरप्ट कर ही दिए, तो वो आप अगर सच में मैनेजमेंट देखते हैं तो नल बनवा दीजिए, परमानेंट पानी आना चाहिए। बेटा वो तो क्यों पानी नहीं आ रहा है? नहीं वो किसी ने रिपोर्ट ही नहीं किया, प्लीज कम। नहीं 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 जस्ट अब मैं शूट कर लो, मैं बात कर लूंगा। एक बार आप चेक कर लीजिए सर। चेक नहीं करूंगा, हाँ मैं एक बार बोल। ओके जस्ट फाइनली हम लोग एक बढ़िया सा नारा लगाएंगे, ठीक है?